भी इसका इंतजाम किया। इस समय हमने जो बड़े जानवर है जैसे उनके लिए भी शेड रखी है, क्या है ना वो ये वाटर बफेलो एक्चुअली पानी में रहने वाली, मगर उनका घास है ना वो भीग जाता है बारिश में, वो जानवर खा नहीं पाता, इसलिए भैंसों के लिए भी वाड़े का इंतजाम है, मतलब वो भी हमने इसका वो एड्रेस किया। इसके बाद पूरा जो प्रीमाइसेस है वो पूरा प्रीमाइसेस में 88 सीसीटीवी कैमरे हैं, जिसका कंट्रोल रूम में पूरा विजन है, टीटीजेड है, सीसीटीवी कैमरे हैं। इसके अलावा एक पुलिस की तरफ से हमें एक ये आया था रिक्वेस्ट आई थी कि जो वाड़े हैं उसके अंदर भी सीसीटीवी लगवा दो, क्योंकि ये जो व्यापारी जो लोग हैं उनकी कंप्लेंट रहती है कि हमारा बकरा चोरी हो गया, तो उसके लिए 128 सीसीटीवी कैमरे अंदर वाड़े में भी लगवा दिए, ऐसे मतलब इंतजाम किए हमने और ये सब मतलब इसमें खराब हुआ सिस्टम में आता है। बहुत अच्छा है, लेकिन ये सारी चीज़ मैटर रहना चाहिए इसके ऊपर। हाँ नहीं कैसे आपने जो बताया ना, हाँ, ये बड़ा जरूरत तो ये है कि ये वाकई इन सब चीज़ों की जरूरत है और आपने अरेंजमेंट किया है, इसके लिए हम लोग आपको बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये बहुत अच्छा किया है। होना भी ऐसे ही चाहिए, लेकिन ये होगा 100% आपको इस पर, मैं टीचर महीने से फॉलो कर रहा हूँ और कमिश्नर साहब के साथ मैंने दो बार इस विषय पे मीटिंग भी ले ली, आपको वहाँ से शायद इन्फॉर्मेशन आपके लेटर वहाँ से बोला दिया मुझे। हाँ वो कैसा है कि लास्ट में सबसे पहली बात आप ये सोच लीजिए कि मुंबई एक ऐसी सिटी है हिंदुस्तान की कि किसी को इसके ये किसी के परिचय का मोहताज नहीं, कोई इसका तारुफ करा ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया के लोग मुंबई को पहचानते हैं। जब गांव से लोग बकरा लेके आते हैं ना तो उनको एक ऐसा ख्वाहिश रहती है कि हम मुंबई सिटी में जा रहे हैं, और जब वो देवनार में आते हैं तो उनको ऐसा लगता है उनके गांव का जो बाजार है ना वो बेहतर है आपके मुंबई के बाजार से। तो लोगों के मेंटेलिटी को थोड़ा सा चेंज करना है हम लोगों को, क्योंकि आप मुंबई में ही आए हो, आप जो भी लोग यहाँ बीमार रहते हैं ये वो पर्ची दे दीजिए, लोग बीमार रहते हैं उनको डॉक्टर के हम लोगों की सबके मानना ऐसा है कि आप लोग बहुत अच्छे से करोगे जो भी करोगे और हमेशा से होता आया है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग चाहेंगे कि यहाँ आने वाले जो लोग हैं, आइए आइए सर, लोगों का जो कॉन्फिडेंस महानगर पालिका पे है, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी महानगर पालिका, उस कॉन्फिडेंस को बिगड़ने नहीं दें, क्योंकि इसमें जब कभी यहाँ के कोई ऐसी पेपर में आती है तो हम लोगों को खुद को शर्म आती है कि हम लोग उस पर इंडस्ट्री हैं और हम लोग को शर्मिंदगी ना उठाना पड़े। तो हम खास करके आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे नगर सेवक साहब हमारे भावी बड़े नेता हैं, आने वाले दौर के मुंबई के बहुत बेहतरीन लीडर होने जा रहे हैं, और इसके बाद में हमारे अशरफ भी आ रहे हैं, दो मिनट में आ रहे हैं। तो हम लोगों की यही ख्वाहिश थी कि आपसे, और हमको उम्मीद भी बहुत है हम सारे लोगों को कि आप पिछले साल से बहुत ज़्यादा सुधार होगा इंशाल्लाह, और अब इस लोग थोड़ा सा देखेंगे भी क्या है क्लियर है, और उसमें खास करके आपके सिक्योरिटी और पुलिस आप जी तो पुलिस की स्पेशल मीटिंग लगाओ, वो जो दादागिरी करके जो पार्किंग का जो विषय है क्या होता है, हमारी पूरी सिस्टम देवनार में लगी रहती है और हम लोग वहाँ ध्यान नहीं दे पाते, तो हमने उसमें आपसे ज्यादा पैसा लेता है तो आप हमको इन्फॉर्मेशन दो, आप कुछ नंबर नंबर ये क्या रेट है फिर भी नहीं करते, और ये WO बिल्कुल भी ग्रेवियन सुनते ये काम करने कभी भी, ये जो है ये तो कांग्रेस वाले जाते तो नहीं क्या, वो तो हम दिल्ली में मिलता ही नहीं था आप नगर सेवक को भले मिल ले, नहीं तो किसी को ध्यान नहीं डालता, वो खाली उनके पास बैठने का कंडक्टर अच्छी तरह जाता हूँ, चलेंगे बात जाके सामने।